बताएं सर, क्या चर्चा हुई है? अब हमारा हिंदुओं का बड़ा पर्व होली ईद उल एंडी आने वाली है, भाईचारा, ये सब को एडवांस में सब गवर्नमेंट्स की, तो हम यही समाज से अपने देशवासियों से अपील करेंगे इस पावन पर्व पर जो है चाइनीज सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी सामान भी लें। इससे स्वदेशी लेने से हमें फ़ायदा होगा, अपने भाइयों का रोज़गार बढ़ेगा, डिमांड अपने देश का माल बिकेगा, अपने देश में पैसा रहेगा, इसलिए हमें चाइना को अमीर बनाना। इंडिया एक लाभ रहा है, स्वदेशी अपना और चाइना बताओ। आज चाइना विरोधी मंच के सदस्यों ने अलग अलग जगह जगह जाकर चाइना में जो सामान भारत में आया हुआ है होली के त्यौहार पर, उसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। इस अवसर पर छोटूराम धर्मशाला में समिति पहुंची है, तो आप पत्रकार के माध्यम से सभी से निवेदन है कि चाइना युग कोई भी सामान जो होली के त्यौहार का पिचकारी है, गुलाल है, रंग है, कोई भी ना खरीदे। बहुत ही बुरे केमिकल से बने हुए सामान है ये, इससे जो भी बच्चे जिसको भी लगेगा वो कोई ना कोई खुजली बीमारी, पता नहीं कौन सी बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। है वो भी भारत में चाइना की वजह से ही आया हुआ है, ये भी जो ना इस पर भी हमारे को ध्यान रखना है। हमारा जो होली का त्यौहार है हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार पर चीन से जो भी रंग है, गुलाल है, वो केमिकल युक्त आए हुए हैं, तो हमारा ये जनता के एक संदेश है कि भी उसको किसी तरह से प्रयोग ना करें, बाजार से किसी तरह का भी चाइनीज रंग और गुलाल ना लें, क्योंकि उसमें बहुत ही नुकसानदायक केमिकल है। अगर किसी को रंग से खेलने का शौक़ है तो हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करें, हमारा स्वदेशी भी है और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। और चीन तो हमेशा से हमारे देश के खिलाफ रहा है, उसने जो जैविक हथियार तैयार किया था और वो अपने खोदे हुए गड्ढे में अपने आप गिर गया, उसने पूरे देश को जो नुकसान पहुंचाया उसका सबसे बड़ा उसने खुद खामियाजा। सबसे पहले तो होली की अपने बहादुरों रक्तावासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएँ लेता हूँ। देखिए हमारे चाइनीज सामान विरोधी मंच गत कई साल से जो है इस चाइनीज सामान के विरोध में प्रदर्शन करता रहा है, और हमने जनता को भी समझा भी चाइना जो सामान बनाता है उसके बहुत ज़्यादा जो है ना दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, एलर्जी होती है लोगों को और भी वायु प्रदूषण होता है। तो आज जो है ना जो आविष्कार जो कर रहा था आज चाइना उसके अंदर अपने जाल में अड़ चुका है। जो चाइना बाहर जो बीमारियों के रूप में सामान भेज रहा था आज वो सामान यूज करके उसके ने खुद अपने देश में बीमारी पाल चुका है, और उस बीमारी से खुद चाइना के अंदर कई हज़ार आदमी मौत का शिकार हो चुके हैं, लाखों आदमी इस रोग से पीड़ित है, और ये रोग धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलते जा रही है। तो हमें इस जो चाइना सामान जो आ रहा है, गुलाल है या और भी जितने भी सामान हैं, उनका हमने जो है ना बिल्कुल रोक लगानी पड़ेगी, नहीं तो जो कोरोना वायरस है या और भी अन्य बीमारियां फैलने का डर है। हमें नाम बताएं सबसे पहले। भूप सिंह, प्रधान भूप सिंह। आज जो चर्चा की है, आज जो हमने इसी विषय को लेकर कहा है कि चाइना से निर्मित कोई भी सामान है उससे बचे, इससे हमारी मुद्रा भी जाती है वहाँ और कई बीमारियाँ फैलने का भय है। ये कोरोना वायरस आया है, ये भी हमें इससे सबक मिलता है कि इससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए, सभी लोगों को बताना चाहिए कि चाइना निर्मित गुलाल ये दूसरी चीज़ें केमिकल युक्त हैं, ये होली के अवसर पर इनसे बिल्कुल त्याग करना चाहिए।